हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल एडवांस स्टडी हब में। दोस्तों, पहले चरण का जो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट निकाली गई थी, मीन्स फर्स्ट राउंड की जो वेटिंग लिस्ट थी मध्य प्रदेश एनएचएम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, इन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल यहाँ पे जारी कर दिया गया है। आप सभी लोगों को अपना अपना वेरिफिकेशन यहाँ पे कराना होगा। इसका शेड्यूल यहाँ पे आ चुका है और इसको मैं यहाँ पे पूरा रीड करके बताने वाला हूँ। पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दूंगा, कौन सी जगह पे मीन्स कौन सी प्लेस पे जाके आप लोगों को वेरिफिकेशन कराना है, डेट आपकी यहाँ पे क्या रहने वाली है, टाइमिंग्स वगैरह क्या रहेंगे, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे क्या रहने वाली है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट की भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, साथ ही साथ जो है बॉन्ड की भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सीधे से मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करता हूँ, डायरेक्ट इस पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक कर देने के बाद आपकी स्क्रीन पर ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से नजर आएगी। तो देख पा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। 6 मंथ का आपका जो है कोर्स रहने वाला है और 10 दिसंबर 2019 की भर्ती में आप लोग यहाँ पे शामिल हुए थे। ऑनलाइन एग्जाम आप लोगों ने दिया था, आप लोगों का अलॉटमेंट आ चुका है। 482 कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट यहाँ पे निकाली गई थी और ये जितनी भी वेटिंग लिस्ट थी मेरिट के आधार पे थी, आपके मार्क्स के आधार पे थी, जिसमें से 427 कैंडिडेट का ही यहाँ पे चयन किया गया है। और जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पे चयन किया गया है, नीचे जो लिस्ट यहाँ पे दी गई है उनको यहाँ पे आवंटित प्रोग्राम स्टडी सेंटर मीन्स PSC जो भी इनको आवंटन किया गया है वहीं पर जाके अपना वेरिफिकेशन कराना है। डेट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। 25 जनवरी डेट है यहाँ पे, 27 जनवरी भी डेट है और 28 जनवरी भी यहाँ पे डेट है। तो इन तीन डेट जो यहाँ पे जो दिनांक यहाँ पे है, किसी भी डेट पे जाके अपने अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ले जाइए, बड़े आराम से आप लोग का वेरिफिकेशन यहाँ पे हो जाएगा। 10 बजे से ये प्रोसेस सुबह शुरू हो जाएगी और शाम के 5 बजे तक आप लोग अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं जो आगे के पॉइंट जो दिए गए हैं। देखिए, इसमें 9 गर्भवती अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी गई है जो कि यहाँ पे जून 2019 बैच के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती में शामिल हुए थे। इनको यहाँ पे पहले आवंटन किया गया है। ये नियम था इससे पहले वाली भर्ती में कि यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी जो हैं गर्भवती हैं, महिला जो हैं, तो यहाँ पे उनको अलॉटमेंट दिया जाएगा आगे के सत्र में। तो वही बात पहले नंबर के पॉइंट में यहाँ पे दे दी गई है। डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन आपको कराना है तो आपको देखिए मूल दस्तावेज आपको लेकर जाने हैं जो कि ओरिजिनल फॉर्म में रहते ही हैं, तो वो तो आपको लेकर जाने ही जाने हैं। साथ ही साथ फोटोकॉपी के फॉर्म में भी आप लोगों को लेकर जाने हैं। जितना भी फोटोकॉपी का जो डेटा रहने वाला है जो आप वहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, ये सत्यापित होना जरूरी है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। डिमांड ड्राफ्ट आपको यहाँ पे बनवाना होगा और डिमांड ड्राफ्ट जो बनेगा बैंक के द्वारा बनेगा, 15,000 रुपये का है और ये इग्नू भोपाल के द्वारा बनेगा या फिर इग्नू जबलपुर के द्वारा बनेगा, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको कन्फर्म कर लेनी है जो इसके नीचे दी गई है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन नीचे सूची दे दी गई है, आपको उसमें कन्फर्म हो जाएगा कि आपका जो भी अलॉटमेंट मिला है वो इंस्टीट्यूट इग्नू भोपाल द्वारा है या फिर इग्नू जो जबलपुर द्वारा है, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप सभी लोग। आखिरी जो डेट है 29 जनवरी 2020 की, आप लोगों को यहाँ पे इस डेट को यहाँ पे अपना अपना रिपोर्टिंग करना है 9 बजे से, और आप लोगों को रिपोर्टिंग जो भी है प्रोग्राम स्टडी सेंटर इस पर जाके आप लोगों को अपनी अपनी रिपोर्टिंग करनी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। अगला जो पॉइंट है बोला जा रहा है 28 जनवरी 2020 को अगर आप शाम के 5 बजे के बाद आते हैं तो आपको प्रवेश यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, ये आपकी लास्ट डेट रहेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। किसी भी हालत पे आप लोगों का जो भी अलॉटमेंट आया हुआ है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना ही कुछ ट्रांसफर अभी यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट आयुर्वेद वाले हैं, BAMS वाले हैं, अगर वो उत्तीर्ण हुए हैं तो उनका इंटर्नशिप अगर कंप्लीट नहीं है, या फिर ऐसे चयनित अभ्यर्थी जो यहाँ पे हैं महिला अभ्यर्थी जो हैं गर्भवती हैं, तो उनको यहाँ पे 21 जनवरी 2020 को एक नोटिस जारी किया गया था जिसका वीडियो मैंने कवर किया था, तो वो आपको आदेश का पालन यहाँ पे करना होगा। वो वीडियो आप लोगों को देखना होगा जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया था, इससे पहले ही वाला वीडियो है, आप लोग जाइएगा, आप लोग को नज़र वो आ जाएगा। संशोधन वाला वीडियो है तो आप लोग उसमें देख सकते हैं, आखिरी में आपकी स्क्रीन पर वो नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। BSc देखिए, सबसे पहले ये बता देता हूँ, मूल दस्तावेज तो आपको लेकर जाने ही जाने हैं, मीन्स ओरिजिनल फॉर्म में आपको लेकर जाने ही जाने हैं, साथ ही साथ फोटोकॉपी भी आप लोगों को लेकर जानी है, ये सत्यापित होना जरूरी है और ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। साथ ही साथ देखिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी बता देता हूँ, 11 करीब करीब इसमें पॉइंट दिए गए हैं। BSc नर्सिंग वाले हों, चाहे आप लोग पोस्ट बेसिक BSc वाले हों, चाहे आप लोग GNM वाले कैंडिडेट हों, चाहे आप लोग BAMS वाले कैंडिडेट हों, उत्तीर्ण जो आपकी अंक सूची है, जो आपकी मार्कशीट है पास की हुई, तो वो आपको लेकर जानी है। 10वीं क्लास की भी आपको यहाँ पे मार्कशीट दिखानी होगी। रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल का जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है, जो भी आपकी डिग्री है, आप लोगों ने जो भी कोर्स किया है, तो रजिस्ट्रेशन होना आपका यहाँ पे जरूरी है, चाहे आयुर्वेद वाले कैंडिडेट हो, चाहे BSc नर्सिंग वाले हो, चाहे पोस्ट बेसिक BSc वाले हो, चाहे आप लोग GNM वाले कैंडिडेट हो। नवीन पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको यहाँ पे लेकर जाने हैं। साथ ही साथ देखिए, आपको जो है 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आप लोगों को 2 लाख रुपये का बॉन्ड यहाँ पे
भरना है। और ये आप लोगों को प्रवेश के बाद जो है किसके लिए रहता है, 6 माह का जो आपका प्रशिक्षण कोर्स है, जिसमें आपको हेल्थ और वेलनेस सेंटर में आप लोगों को काम करना है, उसके लिए सहमति का ये उल्लेख हो, जिसका प्रारूप नीचे भी दे दिया गया है, ठीक है, नीचे दिया गया है पूरा फॉर्मेट, आप लोग उसको जाके बनवाना है, वो आपको जो है लॉयर बना देगा, जो वकील वगैरह रहते हैं वो आपका ये बॉन्ड यहाँ पे तैयार कर देंगे। 500 रुपये का ये जो स्टाम्प पेपर रहता है, लीगल पेपर रहता है, उनको इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहती है, तो उनके पास जाइएगा और उनको बता दीजिएगा, वो आप लोगों का बॉन्ड वहाँ पे बना देंगे। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अगर आप लोग कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा, मूल निवासी भी आपको यहाँ पे दिखाना होगा, और मूल निवासी देखिए मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना जरूरी है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। और अगर यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे पेश करना होगा, और ये मेडिकल सर्टिफिकेट MBBS चिकित्सा अधिकारी द्वारा होना चाहिए। जो भी आपका प्रवेश का जो प्रशिक्षण रहने वाला है उसके 15 दिन पहले ये बना होना यहाँ पे जरूरी है, तो जल्द से जल्द इसको यहाँ पे बनवा लीजिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए और नवीन होना चाहिए, नया होना चाहिए, पुराना फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं मान्य किया जाएगा। संविदा आधार पर अगर आप लोग स्टाफ नर्स हैं तो आपकी नियुक्ति का जो प्रथम दिनांक का जो है, और यहाँ पे बॉन्ड का जो है नवीनीकरण, ये आदेश होना जरूरी है। और इसके बाद देखिए अनुभव प्रमाण पत्र की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे दिखानी होगी, अगर आपने फॉर्म भरते समय अपना अपना एक्सपीरियंस शो किया था तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको वहाँ पे दिखाना होगा जो भी आपका अनुभव है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक और जानकारी है, आपकी जो मार्कशीट है तो उसकी फोटो कॉपी तो आपको यहाँ पे लेकर जानी जानी है, प्रिंट आउट भी आपको यहाँ पे लेकर जाना है, और एडमिट कार्ड भी यहाँ पे आप लोगों को लेकर जाना है, उसकी फोटो कॉपी भी यहाँ पे लेकर जानी है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, अभी भी यहाँ पे आप लोगों को वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आपके पास नहीं होंगे या फिर कोई ना कोई दिक्कत होगी तो आपको यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको इसमें दे दी है। इसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ और बढ़ा देता हूँ, और देखिए इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो है यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट, देखिए आप लोग इसमें देख लीजिए, जो भी आपके नाम के आगे दिया गया है वो इग्नू भोपाल के द्वारा है और या फिर वो इग्नू जबलपुर द्वारा है, ठीक है, इग्नू भोपाल द्वारा ऊपर की लिस्ट में दी गई है और इग्नू जबलपुर द्वारा है वो सबसे नीचे की तरफ यहाँ पे दिए गए, ठीक है, तो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये इग्नू जबलपुर द्वारा है, तो डिमांड ड्राफ्ट में आप लोग यहाँ पे देख लीजिए आपके नाम के आगे कौन सा यहाँ पे कॉलेज दिया गया है, तो इग्नू वही उसी नाम से आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको बता दी है, अब इसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ और आपको बढ़ा देता हूँ, और आप लोग यहाँ पे देखिए ये है बॉन्ड का प्रारूप, 500 रुपये का जो बॉन्ड का स्टाम्प पेपर रहता है, लीगल पेपर जो रहता है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है, तो 500 रुपये का है ये बॉन्ड, आपको बनवाना होगा, ये आपका बनाएगा लॉयर, उससे आपको यहाँ पे संपर्क करना होगा, इसमें ये पूरी इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे फिल कर देगा और आपको ये बड़े आराम से ये आपका भर जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे और बढ़ा देता हूँ, इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो रहेगी आप लोगों की, ये रहेगी आप लोगों की लिस्ट, ठीक है, तो लिस्ट आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, और इस लिस्ट में आप लोगों को जितने भी वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट थे तो उनको यहाँ पे प्रोग्राम स्टडी सेंटर यहाँ पे अलॉट किया गया है, इसी जगह पे जाना है आप लोगों को, अपने नाम के आगे जो भी दिया गया है वहीं पे जाके आप लोग अपना अपना वेरिफिकेशन कराएंगे, जो भी आपको डेट दी गई है और जो भी आपको टाइमिंग्स दिया गया है और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो आपको यहाँ पे इस जगह पे लेकर जानी है, और समय रहते ही आप लोग अपनी अपनी प्रोसेस यहाँ पे पूरी कंप्लीट कर लीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको इस पूरी इसमें इंक्लूड कर ली है। इसमें और मैं नीचे देख लेता हूँ इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए या नहीं है, तो इसमें सभी कैंडिडेट जो हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है आप लोगों ने अपना अपना नाम इसमें देख लिया था, तो यहाँ पे आप लोगों को अलॉटमेंट मिल चुका है, फाइनली आप लोग अपने अपने वेरिफिकेशन यहाँ पे कराएंगे और फाइनली फिर बाद में आप लोग अपनी अपनी जो रिपोर्ट है रिपोर्टिंग करेंगे जैसा कि समय उसमें दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर कि रिपोर्टिंग भी आप लोग बाद में अपनी कर लेंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन जैसे ही आप लोग करा लेंगे तो आपको वहाँ पर बोल दिया जाएगा कि आप लोगों को अपनी अपनी रिपोर्टिंग भी करनी है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। अभी भी इसके अतिरिक्त आपका कोई डाउट वगैरह है आप लोग हमसे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी अगर हेल्प वगैरह आपको चाहिए तो भी आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, दिल से इस वीडियो को लाइक करिएगा, और पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह है आप लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, जरूर पूछिएगा, कोई ना कोई सवाल आपके जहन में जरूर होगा, ऐसे मेरे यहाँ पे मुझे लगता है और ऐसी मुझे उम्मीद है कि आप कोई ना कोई सवाल जरूर पूछेंगे मुझसे, और यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलती रहेगी, और आगे और भी लिस्ट आनी है, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है, और जैसे ही आगे के अपडेट आएंगे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। ये वाला वीडियो है इससे पहले जो मैंने कवर किया था, जितने भी BAMS वाले कैंडिडेट थे और गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको एक गाइडलाइन फॉलो करनी थी, कुछ संशोधन यहाँ पे किया गया है, तो इस वीडियो में देख लीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।